अपनी आंखों को स्वस्थ रखने के लिए और इनकी आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए पांच में ऐसे तरीके बताऊंगा जो आप करेंगे तो आंखों की सेहत में जरूर इजाफा होगा। ठीक है, तो पहली एक्सरसाइज है, आपको क्या करना है, अपने थंब को सामने लेके आना है अपनी आंखों के सामने, कीजिए आप लोग भी, सामने लाइए बिल्कुल स्ट्रेट अपने आंखों के बीच में। ठीक है, आपने अपने अंगूठे की टिप को देखना है, अपनी नजरें इस पर टिका लेनी है, वहां से हटानी नहीं है, फिर इस थंब को अपने नाक के पास लेके आना है, नजरें वहीं पर रहेंगी, नाक को टच करना है और फिर दोबारा अपनी हाथ को दूर लेके जाना है। इस तरीके से आप करेंगे कम से कम 10 बार आप राइट हैंड से करेंगे और 10 बार लेफ्ट हैंड से करेंगे। ये त्राटका का अल्टरनेटिव है, त्राटका जो सब लोग नहीं कर सकते, थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है, ये करेंगे तो आपको लगभग त्राटक वाले फायदे इससे मिलेंगे, इसमें बहुत अच्छी आंखों की एक्सरसाइज होती है। ठीक है, पहली एक्सरसाइज ये होगी। दूसरी आपको क्या करनी है, पामिंग। आपको क्या करना है, अपने दोनों हाथों की हथेली को रब करना है, रब कीजिए, और आपको तब तक रब करना है जब तक इनमें हल्की हीट पैदा ना हो जाए, हल्के वार्म ना हो जाए। ठीक है, उसके बाद आपने अपने दोनों हाथों को अपनी आंखों पर रख लेना है। ठीक है, अब आपने रखना कैसे, आंखों के बीच में कूप बनाना है, मतलब हाथ के बीच में ऐसे बहुत सीधा नहीं करना है, ऐसे कूप बनाना है कि यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस रहे। ठीक है, इस स्पेस को हम ऐसे आंखों पर रख लेंगे जिससे हमारी आंखों पर ज्यादा प्रेशर ना आए, हमने दबाना नहीं आंखों को, सिर्फ वो हीट ट्रांसफर करनी है। ठीक है, उसके बाद एंड कैसे करना है, अपने अंदर ही आंखों को खोल लेंगे, हाथों के अंदर ही थोड़ा सा आंखों को खोलेंगे, थोड़ा सा लाइट को अंदर आने देंगे। ठीक है, इससे थोड़े अमाउंट में लाइट अंदर आएगी, उसके बाद धीरे से आप हाथों को हटा देंगे। ठीक है, इसके बाद आपकी आंखों को ज्यादा लाइट परेशान नहीं करेगी। ठीक है, और इस राउंड को भी आप कम से कम 8-10 बार कर सकते हैं। पामिंग बहुत बेसिक और बहुत अच्छी एक्सरसाइज है आंखों के लिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट है हमारा पलके झपकाना। आपको क्या करना है, सीधे बैठना है, कमर सीधी होनी चाहिए, सामने देखना है और अपनी पलकों को बहुत तेजी से झपकाना है, इस तरीके से बंद करना है, खोलना है तेजी से, जितनी तेजी से आप कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि हम अपने शरीर के लिए बहुत कुछ करते हैं, आंखों के लिए सबसे कम करते हैं, आंखें सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं बट एक्सरसाइज बहुत कम करते हैं। तो अगर आप हम चाहते हैं कि आपकी आंखें लंबे टाइम तक स्वस्थ रहें और इनकी रोशनी बनी रहे तो थोड़ा सा वक्त अपनी आंखों के लिए भी निकालिए। ठीक है, आंखों को स्पीड से छपकाएं, इससे आपकी आंखों की मूवमेंट बहुत अच्छे से बढ़ेगी और आपको जरूर फायदा मिलेगा। चलो नेक्स्ट है हमारा, आपको क्या करना है, आपने आपके सामने वॉल है या वॉल नहीं भी है, आपने उस वॉल पे एक बड़ा सा आर्ट इमेजिन करना है। ठीक है, कि एक बड़ा सा आर्ट बना हुआ है, अब उस आर्ट की अकॉर्डिंग आपने अपनी आंखों को चलाना है। आप ये इमेजिन कीजिए कि आपकी आंखें स्केच पेन है और सामने एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ है, तो अपनी आंखों से आपने एट बनाना है बहुत बड़ा। अब इसमें स्पेशली क्या ध्यान रखना है, आपकी गर्दन नहीं हिलनी चाहिए, गर्दन को स्टिल रखो बिल्कुल और सिर्फ आंखें हिलानी है, क्योंकि एक्सरसाइज हम आंखों की कर रहे हैं, गर्दन की नहीं, गर्दन स्टिल रहेगी और अपनी आंखों को पूरे तरीके से एट बनाइए, इससे क्या होगा आपकी आंखों की मूवमेंट हर तरफ बढ़ेगी। ठीक है, तो चार ही एक्सरसाइज होगी। पांचवा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम। ठीक है, आपको करना कैसे है पहले मैं ये बताऊंगा, फिर उसके फायदे बताऊंगा। आपको क्या करना है, ज्ञान मुद्रा में बैठना है। ठीक है, इस तरीके से कमर सीधी रखेंगे, आंखें इसमें बंद रहेंगी। ठीक है, आपको लंबा सांस खींचना है और जब सांस छोड़ेंगे तो हमिंग साउंड, एक भंवरे की ध्वनि बनानी है, इस तरीके से। दोबारा एक बार करके दिखाएंगे, इनहेल करो पहले, इनहेल, आप सांस छोड़ते हमिंग साउंड निकालो, वेरी गुड। वैसे भ्रामरी प्राणायाम को मुद्रा के साथ भी किया जाता है बट अगर आपको आंखों का फायदा लेना है तो आपको इसको इस तरीके से आप करना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो हमारे सेंसेसरी ऑर्गन्स हैं, जितने भी गर्दन से ऊपर के ऑर्गन हैं, वो एक्टिव होते हैं, स्पेशली जो आंखों के पीछे की नसें हैं, उनको एक मसाज मिलता है और वो एक्टिवेशन होती है उनकी, बहुत अच्छे से एक्सरसाइज होती है और वो हमारी आंखों को तंदुरुस्त बनाती है। ठीक है, पांच ही एक्सरसाइज हैं, बहुत आसान है, हर कोई कर सकता है। दिन में जरूर वक्त निकालिए अपनी आंखों के लिए क्योंकि आपकी आंखों की सेहत बहुत जरूरी है। ठीक है, मैं अनुराग वर्मा, अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, योगा से जुड़ी कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो करनाल प्लस के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं।